पुलिस के साथ झड़प हो गई है इन महिलाओं की, जो गाड़ी में बैठे ये लेके गए हैं और यहाँ से देखिए तमाम महिलाएं बाहर निकल रही हैं और उनसे जान लेकर वो बेटी मेरी मम्मी सुनो सर कैंसर मरी है कैसे मैं उसको कहा जाओ पुलिस के साथ झड़प हो गई है इन महिलाओं की, जो दंगाइयों को उठाया जा रहा है यहाँ से। लगातार ये जो महिलाएं हैं विरोध कर रही हैं पुलिस का, पुलिस प्रशासन जो अपना काम करने में जुटी हुई है। दिल्ली दंगे जो इन्होंने किए, जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पथराव हुआ था, अब उनको जब आरोपियों को पुलिस उठाने का काम कर रही है तो आरोपी यहाँ से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको गायब कर दिया गया है। अब जो आरोपी गायब है उनके रिश्तेदारों से पूछताछ के लिए पुलिस लगातार जो है यहाँ पर चक्कर काट रही है, यहाँ पर आ रही है। लेकिन ये जो महिलाएँ हैं, जो रिश्तेदार हैं उन आरोपियों की, अब ये महिलाएं पुलिस से झड़प रही हैं, भिड़ रही हैं। और ये भिड़ने का कारण ये भी है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनके जो रिश्तेदार जो कि आरोपी हैं जहांगीरपुरी दंगे के दौरान, जिन्होंने हनुमान चालीसा के दिन शोभा यात्रा पर पथराव किया और अब उन्हें गायब कर दिया गया है। गायब करने के बाद जब वो नहीं पुलिस के हाथ चढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जब पुलिस अपना काम कर रही है आकर, तो ये लोग जो हैं पुलिस को रोक रहे हैं, कार्रवाई को रोकने का काम कर रहे हैं और लगातार पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं। तो तमाम महिलाएं जो है आगे की हुई है, आप देख सकते हैं वो सामने से ये सब निकल कर आए हैं और वहीं से एक आरोपी जो है गायब है, फरार है। उस आरोपी की जब पूछताछ पुलिस करने आई है तो सारी की सारी महिलाएं जो है हावी हो गई हैं पुलिस के ऊपर। यहाँ से उस आरोपी के रिश्तेदार को उठाया गया है, उसके उठाने के बाद ही ये लोग जो हैं पुलिस पर हावी हुए हैं। और अभी भी देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं, देखिए पुलिस के साथ किस तरीके से बर्ताव कर रही हैं। ये जो बर्ताव है ये दिखा रहा है कि डर किस बात का है, जो डर है इनके मन में कि आरोपी पकड़ा ना जाए, जिसने हिंसा की, जिसने दंगे फैलाए, आरोपी ना पकड़ा जाए, तो जो डर है वो साफ देखिए देखा जा सकता है। सामने से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो तमाम जो लोग हैं वो पुलिस को उनका काम करने से रोक रहे हैं। अब देखिए अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं, कानून व्यवस्था की बात करूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को हमारे हाथ में दे दो, फिर देखिएगा दिल्ली में एक भी दंगा नहीं होगा। तो
हो सकता है, देखिए आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा अरविंद केजरीवाल पर कि हो सकता है पुलिस प्रशासन को अपने हाथ में लेने के लिए ही अरविंद केजरीवाल जो है लगातार जो है दंगे करवा रहे हों दिल्ली के अंदर, क्योंकि CA NRC के टाइम पर भी देखिए आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं ताहिर हुसैन, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा था दिल्ली दंगे फैलाने के दौरान CA NRC के वक्त। और अभी जो अंसार मोहम्मद अंसार जो एक मुख्य आरोपी जो कि पुष्पा की तरह एक झुकेगा नहीं साला का जो एक साइन दिखाता हुआ गया है कैमरा पर, तो वो जो आरोपी है वो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। और अब वो जो साइन दिखा के गया था उसका मतलब ये है कि वो अपने किए से पछतावा उसको बिल्कुल भी नहीं है और वो खुले तौर पर कह रहा है कि हाँ मैं आरोपी हूँ और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो इस हैसियत से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर दंगा जो भड़काने की साजिश है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई होगी, क्योंकि ये लगातार बीजेपी की तरफ से भी देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, पूरी आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। और लगातार देखिए यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, हमने आपको कल भी दिखाया था जिस तरीके से दंगे यहाँ पर भड़के थे, और अब देखिए जो पुलिस प्रशासन है इनको यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं क्योंकि महिलाएँ जो हैं हावी हो रही हैं पुलिस प्रशासन पर, महिला पुलिस यहाँ पर खड़ी हैं, महिला पुलिस कर्मियों पर ये लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है ये लोग यहाँ से पुलिस प्रशासन हटाने की भी मांग कर रहे हैं। और जितने भी दंगाई यहाँ से फरार है उनकी खोज में पुलिस घूम रही है, तो यहाँ पर पूछताछ के लिए पुलिस आ रही है, यहाँ बैरिकेडिंग किया हुआ है, पुलिस प्रशासन पुलिस बल जो है बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। और इसी के चलते महिलाएं जो हैं यहाँ से पुलिस के साथ भिड़ने का भी काम कर रही हैं। देखिए ये देखिए ये लोग पुलिस के साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, इनका बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन के साथ भी कुछ अच्छा बर्ताव ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग लगातार जो है पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम कर रहे हैं, भिड़ने का काम उनसे कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी जुटी हुई है इन महिलाओं को अंदर करने के लिए कि आप जाइए यहाँ खड़े होकर शोर मत कीजिए, लेकिन फिर भी ये जो महिलाएँ हैं ये तमाम कोशिश कर रही हैं, धक्का दे रही हैं महिला पुलिसकर्मी को भी और पुलिस के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं और लगातार चिल्लाने का जो काम है ये लोग कर रहे हैं। एक आरोपी को पुलिस पकड़ने आती है तो ये लोग पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं और जिस तरीके का बर्ताव है इन लोगों का वो आप लगातार देख पा रहे होंगे, जो गुस्सा इन लोगों का है पुलिस के ऊपर वो आप देख पा रहे होंगे। इससे पता लगता है कि ये लोग इनको किसी का डर नहीं है और डर इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार जो है हो सकता है इनके फेवर में हो, इनके हाथ में हो। जैसे कि आपने देखा होगा मोहम्मद अंसार जो आरोपी पकड़ा गया है जिस तरीके से उसने कैमरा के सामने बर्ताव किया था तो उसको देखकर ये पता लग रहा था कि उसके ऊपर जो हाथ है एक बड़ा हाथ है और उसको डर नहीं है किसी का भी और उसको पता है कि मैं जेल में जाऊंगा और मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। तो इसीलिए उसने इस तरीके से देखिए पुष्पा वाला एक उसने इस तरीके से किया कि झुकेगा नहीं, यानी कि उसको पता था कि अंदर जाएगा और तुरंत बाहर आ जाएगा क्योंकि बड़े बड़े हाथ उसके ऊपर हैं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और डर उसको किसी बात का नहीं है। उसने शोभा यात्रा पर पथराव किए, लोगों को भड़काने का काम किया। CA NRC के दौरान भी जो मोहम्मद अंसार है वो मौजूद था, लोगों को भड़काया, दंगा भड़काया उसने। और आज जब वो पकड़ा गया है तो आज वो इस तरीके से साइन दिखाकर बोलता है कि मैंने दंगा भड़काया है, मैं आरोपी हूं लेकिन मुझे कोई अंदर नहीं रख सकता ज्यादा दिन तक। अब देखिए वहां से चलते हुए जो है पुलिस बल है आगे की तरफ आ रहा है, मीडिया को भी ये लोग आगे की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरफ आने का जो मकसद है वो यही है कि किसी भी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए। अमित शाह ने भी कहा था कि जितने भी दंगाई हैं इसके दौरान जिन्होंने पथराव किया था, जिन्होंने शोभा यात्रा पर अटैक किया था, उनमें से एक भी दंगाई जो है बचेगा नहीं, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन का भी लगातार यही बयान आ रहा है कि दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक दंगाइयों को देखिए पकड़ा जाएगा और कहीं भी अगर फरार हो जाए तो वहां से उन्हें निकाला जाएगा। पहले ही इन लोगों ने दंगाइयों को जो है फरार कर दिया है, यहां से भगाने का काम ये लोग लगातार करते आए हैं। अब उन्हीं जो दंगाई फरार है उन्हीं को खोजने का काम पुलिस कर रही है। जो बीजेपी सरकार है उस पर अरविंद केजरीवाल आरोप मंड रहे हैं। अमित शाह का बयान आया है कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, जिसने भी शोभा यात्रा पर पथराव किया था उसको पकड़ा जाएगा। ये देखिए पुलिस बल जो है धीरे धीरे आपको आगे आता हुआ नजर आ रहा होगा, पुलिस बल आगे की तरफ आ रहा है, तमाम मीडियाकर्मी जो है यहाँ से आगे की तरफ लाए जा रहे हैं और ये लोग जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम इन लोगों ने किए हुए हैं। अभी भी पुलिस बल है पूरा, जो महिला पुलिस बल आपको नजर आ रहा होगा आगे की तरफ ये लोग आते हुए नजर आ रहे हैं और इन लोगों ने जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं।
तमाम महिला पुलिसकर्मी आप देख रहे होंगे ये आगे की तरफ आ रहे हैं। इन्होंने हाथ में शील्ड लिया है, सर पे हेलमेट पहना हुआ है। तो मकसद यही है ये दिखाने का कि यहाँ पर जो माहौल है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डर का माहौल अभी भी है और ये लोग जो हैं दंगा जो करने वाले हैं उनको पकड़ने के लिए मौजूद है, लेकिन इन पर भी अटैक हो सकता है। इन पर अटैक ना हो इसीलिए इनको सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं इनके लिए किए गए हैं, हेलमेट पहनाया गया है, लाइफ शील्ड जैकेट पहनाया गया है, शील्ड हाथ में दिया गया है। तो तमाम मैं आपको जो है ग्राउंड से दिखा रही हूँ, ग्राउंड जीरो से, कि कितने लोग जो थे इस हादसे का शिकार हुए हैं, शोभा यात्रा के दौरान जो पथराव किया था उसका शिकार हुए हैं, लहूलुहान उन्हें किया गया और अभी भी दंगाई जो है जो पकड़े गए हैं उनमें 2 नाबालिग हैं, 3 कट्टे बरामद किए गए हैं, 5 तलवारें मिली हैं, 14 आरोपी लगभग पकड़ लिए गए हैं, उसमें से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मिले हैं जो कि उनका जो कनेक्शन है वो आम आदमी पार्टी से मिला है। सीधा सीधा मोहम्मद अंसार जो कि मेन आरोपी था उसने खुद कबूल किया कि हाँ उसने जो है वो आरोपी है, उसने पथराव करवाया, उसने लोगों को भड़काने का काम किया। तो जिस तरीके से उसने कबूलनामा किया उस कबूलनामे को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि उसको डर किसी बात का नहीं है, उसको पता है जाएगा और आ जाएगा वापस, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं के हाथ उसके सर पे हैं, जिस पार्टी का हाथ बताया जा रहा है उसी पार्टी से वो बिलोंग करता है और वो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का। तो इसीलिए उसको डर किसी बात का नहीं है, आराम से वो, देखिए पुलिस जब उसको पकड़ के ले जा रही थी तो आराम से वो वॉक करते हुए जा रहा था और लगातार बोल रहा था हाँ मैं आरोपी हूँ। और उसने एक जो साइन दिखाया पुष्पा फिल्म का, वो दिखाता है कि उस आदमी को पछतावा नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए ये लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे अपनी घरों की छत से छज्जे पर खड़े हुए हैं, छोटी सी बच्ची आपको वीडियो बनाती हुई नज़र आ रही होगी फ़ोन से, मीडिया कर्मी जो काम कर रहे हैं ये लोग उनका वीडियो भी निकालने का काम कर रहे हैं। अभी जो पत्थर यहाँ से गिरा था इन्हीं छतों से पत्थर गिर रहे हैं और देखिए पुलिस इनको लगातार बोल रही है कि अंदर की तरफ जाइए, लेकिन ये लोग फिर भी निकल के बाहर आ रहे हैं और पुलिस को उनका काम करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप नज़र मारेंगे तो ये सब देखिए अपनी अपनी छतों पर खड़े हैं, इन्हीं छतों से पत्थर आए थे। वहाँ से मैंने आपको दिखाया झुग्गी झोपड़ी से जो है लोग हैं बाहर निकल के आ रहे थे, ये दिखा रहे थे कि हम एकजुट रहेंगे, हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे किसी को भी, क्योंकि दंगाई लगातार देखिए जितने भी उनका कोई धर्म नहीं होता, मज़हब नहीं होता, लेकिन फिर भी दंगाई के लोगों से क्यों होता है। और जब उसको पकड़ने का काम करते हैं तो यहाँ पर पुलिस की कार्यवाही में भी रोक लगाई जाती है, उनको भटकाने का काम किया जाता है, पुलिस पर भी अटैक करते हैं, मीडिया कर्मियों को गाली देते हैं और फिर मीडिया कर्मियों को भी रोकने का काम करते हैं। तो ये दिखाता है कि इन लोगों की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ना तो ये कानून से डरते हैं, ना ये मीडिया से डरते हैं, ना ही ये सरकार से डरते हैं। दिल्ली में जो इस वक्त सरकार है उस सरकार से इन लोगों का डर कोई भी नहीं है, कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन से ये लोग नहीं डरते हैं। दिल्ली सरकार ने आज तक कोई कड़ा एक्शन इन पर नहीं लिया है, यही वजह है कि दिल्ली सरकार के ही लोग जो हैं इस दंगे में हमेशा लिप्त पाए जाते हैं और हमेशा उनका जो कनेक्शन है केजरीवाल से जुड़ा होता है दंगाइयों का। CA NRC के समय से आज जहांगीरपुरी में जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उस दौरान जो पथराव किए थे वो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। तो आम आदमी पार्टी की जो कनेक्शन है दंगाइयों के साथ वो लगातार निकलते आ रहे हैं और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा ही दंगाइयों के फेवर में रही है, दंगाइयों का साथ देती रही है और उनके साथ खड़ी रही है।